मैरी स्नो व्हाइट को उस पहाड़ पर जाने के लिए राजी कर लेती है जहां उन्हें जैक मिलता है और वो उनकी सहायता करने का वचन देता है। रास्ते में उनकी एक ड्रैगन से मुलाकात होती है जो उन पर हमला कर देता है, लेकिन जैक उसे अपने कब्जे में कर लेता है। कुछ समय बाद उन्हें समझ आ जाता है कि ड्रैगन इतना खतरनाक नहीं, और उस खतरनाक पहाड़ पर चढ़ने के बाद उन्हें वो जादुई फूल मिल जाता है। ऐसा मानते हैं कि उम्मीद के फल में जादुई शक्तियां होती हैं और जो मौली के अंधेपन को दूर कर सकता है। इससे काम बन जाएगा। हो गया क्या कैमोमियो? तुम जानते हो कि तुम क्या कह रहे हो जॉली? ये जड़ी बूटियों का लेप मैंने खास तौर से बनाया है जिसमें 16 प्रकार की जड़ी बूटियाँ मिलाई हैं मैंने अपने बगीचे की, समझे? जॉली, कैमोमिल, बहुत बहुत शुक्रिया तुम्हारा इसके लिए। कैमोमियो के इलाज हमेशा सफल होते हैं मौली। क्या हो गया मौली? मुझे नहीं पता कि क्या हुआ है, पर मेरी आँखों में जलन हो रही है। सच में? बहुत अच्छे, जैसा मैंने सोचा था सब कुछ वैसा ही हुआ। अब आप सब कुछ देख पाएंगी। कितना अजीब है, सब कुछ कितना शांत है। ऐसा लगता है कि महारानी ने सब कुछ छोड़ दिया, लेकिन मुझे पता है कि वो जरूर कोई साजिश रच रही होगी। क्या आप में से कोई जानता है कि मैरी और जैक कहाँ हैं? किसी वजह से उन दोनों को यहाँ पर मुझसे मिलने आना था। अरे वाह, मौसम कितना सुहाना है। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग एवरीवन। गुड मॉर्निंग मिस बावर्ड। गुड मॉर्निंग मिस बावर्ड, आप कैसे हो? ओह मैटेल, बहुत अच्छे। तुम्हें ये किसने सिखाया? स्नो व्हाइट ने मुझे सिखाया है ये। ये तो बहुत अच्छी बात है, मैं तो हमेशा से यही चाहती थी कि तुम लोग अच्छी तमीज सीखो। चलो, किसी और ने भी कोशिश की। चलो पटेल, लेट लतीफ। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग मिसेस बावर। बच्चे बहुत खुश दिख रहे हैं, कितना बदल गए हैं जब से वो आई है। तुम लोग मेरी बात कर रहे थे? नहीं, हम आपकी बात नहीं कर रहे। तुम्हें छुपाने की कोई जरूरत नहीं। क्या आप लोगों ने मेरे लिए जश्न रखा है? हाँ बिल्कुल, हम चाहते हैं तुम्हारे लिए एक स्वागत पार्टी करें। हम तुम्हारा स्वागत करना चाहते हैं। ओह शुक्रिया। मेरे पास एक बहुत अच्छी तरकीब है, मैं इतनी बुद्धिमान हूँ कि यकीन नहीं होता। मैं जहाँ भी जाती हूँ ढेर सारी खुशियाँ लेकर आती हूँ। मैं इसके लिए आपकी शुक्रगुजार हूँ, पर मैं आपसे सच कहूँ तो जश्न की कोई जरूरत नहीं है। हाँ मिस बावर, आपका विचार बहुत अच्छा है, पर मुझे इसकी कोई जरूरत नहीं। ओह नहीं नहीं, हमें पार्टी करने की बहुत जरूरत है, तुम्हारे आने की पार्टी होनी ही चाहिए। लेकिन कितनी मजेदार बात है। क्या जॉली? तब तक मौली ठीक हो जाएगी, इसलिए हम खुशियाँ भी मना पाएंगे। क्या हमारी मौली ठीक हो रही है? ओह हाँ, ये तो बहुत अच्छी खबर है, मुझे जाकर सबको बताना होगा। सुनो सुनो, मौली ठीक होने वाली है।
बहुत खूबसूरत काम किया। अच्छा मुझे ये बताओ, क्या तुम्हें एप्पल पाई खाना पसंद है? हाँ, हाँ बिल्कुल। अच्छा ये बताओ, क्या जैक को देखा? जैक? नहीं आज नहीं देखा उसे। और मैरी को? नहीं मैरी को भी नहीं देखा। समझ नहीं आ रहा, मैरी और जैक अब तक कहाँ गायब हैं? ओह ओह वो वहां है, मुझे पता था यही मिलेगा। जैक, मैरी, आखिर मैं इन दोनों से छुप क्यों रही हूँ? अच्छा तुम काफी व्यस्त दिख रही हो। हाँ? जैक तुम यहाँ कैसे? क्या तुम मुझ पर नजर रख रहे हो पूरा दिन? हाँ शायद। तो तुम मुझसे क्या चाहते हो और क्यों मेरा पीछा कर रहे हो? बस ऐसे ही, तुम उस कंगी के साथ क्या कर रही थी बताओ मैरी? तुम अपने काम से काम क्यों नहीं रखते? तुम्हें क्या जरूरत है ये सब जानने की? जासूसी करने वाले लोग मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। ऐसा है क्या? हाँ बिल्कुल ऐसा ही है। जैक मैरी की जासूसी कर रहा था, इसमें कोई अजीब बात नहीं है, लेकिन मेरा दिल इतनी जोर से क्यों धड़क रहा है समझ नहीं आ रहा। हे बबल नोज, क्या क्या हुआ तुम्हें? जैक तुमने डरा दिया। क्या तुमने कोई भूत देख लिया बबल नोज? मैंने कहा था ना मेरा नाम स्नो वाइट है। अच्छा बताओ तुम यहाँ क्या कर रही हो? वो मैं तुम्हें ढूंढ रही थी। मुझे ढूंढ रही थी, बहुत बढ़िया। मुझे पूछना था क्या तुम इस दोपहर व्यस्त तो नहीं हो? तुम मुझे बाहर ले जाना चाहती हो? पागल हो क्या, क्या कह रहे हो? वैसे भी मैं नहीं आ सकता, मुझे बहुत काम है आजकल, और तुम्हारे साथ तो बिल्कुल भी नहीं। चलो अलविदा। जैक इसने तो ये भी नहीं पूछा कि मैं यहाँ क्यों आई थी। शायद मैरी के साथ बिजी होगा, पर मुझे उससे क्या लेना देना। वैसे मैं इतना तो नहीं जानती, पर जैक को देखकर ऐसा लगता है कि वो शायद मैरी को पसंद करता है। क्या आपको लगता है? मेरे ख्याल से तो तुम दोनों की जोड़ी बहुत अच्छी रहेगी राजकुमारी। क्या मौली, क्या आप मुझे छेड़ रही हैं? नहीं मैं तुम्हें छेड़ नहीं रही हूँ, मेरा ख्याल है कि तुम दोनों आपस में बहुत अच्छे रहोगे। आपकी सोच अच्छी है लेकिन। लेकिन मौली कभी भी रिचर्ड से नहीं मिली, मेरा प्यारा रिचर्ड। थोड़ी ही देर में मुझे इस गांव को छोड़ना होगा, यहाँ के लोग बहुत दयालु हैं, मेरे लिए अलग रहना बहुत मुश्किल होगा। यहाँ से दूर जाना भी मेरे लिए बहुत मुश्किल है। राजकुमारी। हाँ मौली, क्या पाए तैयार हो गया है? हाँ और कुकीज भी। ठीक है मैं आ रही हूँ। तरीके से तैयार हो गई है स्नो वाइट को देने के लिए। बहुत बढ़िया बच्चों, अब हमें बस पर्दे लगाने हैं, चलो जल्दी करो। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अब हम सबको बस स्नो वाइट का इंतजार करना है। हाँ? याद रखना अभी कोई कुछ नहीं बताएगा, ये सरप्राइज है। Yeah!
आपको कितनी खुशियाँ बांटती हूँ। क्या आप जश्न में क्यों नहीं आ सकते? मुझे माफ कर दीजिएगा राजकुमारी, मुझे कुछ और भी काम है। समझती हूँ। आपका समय अच्छा बीते, फिर मिलूंगा। ठीक है, सावधान रहिए। सैमसन किसी खतरे को अनुभव कर रहा था और वो इस खतरे से गांव वालों को बचाना चाहता था। उसने ये बात राजकुमारी को नहीं बताई। वो नहीं चाहता था कि राजकुमारी चिंतित हो। स्नो व्हाइट, ओह मैरी, तुम? मैं हर जगह तुम्हें ढूंढ रही थी। कहाँ थी तुम? हाँ, क्या तुमने ही उम्मीद दी थी कि मॉली ठीक हो सकती है? क्या सचमुच स्नो व्हाइट? हाँ, इसीलिए हमने जश्न रखा है। ये तो बहुत अच्छी बात है। और तुम भी आ रही हो? हाँ बिल्कुल, मगर उससे पहले मैं तुम्हें कुछ तोहफा देना चाहती हूँ स्नो व्हाइट। क्या? लेकिन यहाँ नहीं, तुम मेरे साथ आओ। हाँ? स्नो व्हाइट, चलो पाई काटो आके। हाँ मॉली, अभी आई। मैरी माफ करना, मैं तुमसे बाद में मिलती हूँ। मैं तुमसे जश्न में मिलूंगी, ठीक है? मुझे लगता है सब कुछ ठीक है, मैं यूं ही चिंता कर रहा था। हाँ, स्नो व्हाइट कहाँ है? वो घर पर है, तैयार हो रही है, जश्न को लेकर बहुत खुश है, वो बस आती ही होगी। अब अच्छा लग रहा है। हे जैक! हाय स्नो व्हाइट, क्या तुमने मैरी को देखा है? हाँ, हो सकता है कि वो खेलने गई हो। खेलने गई है? हाँ, हम वहाँ पर जश्न मना रहे हैं। मैं तुम्हें यही तो कहने आई थी, लेकिन तुम वहाँ से चले गए। तुम जल्दी में लग रहे थे कि तुमने मेरी बात भी नहीं सुनी, पर अब जाके अपने मन की बात कह दो। अरे रुको, तुम क्या बता रही थी? नाटक मत करो और चिंता मत करो, मैं इसे राज ही रखूंगी। राज? तुम क्या कहना चाहती हो? तुम मैरी को पसंद करते हो, है ना? मैं क्या? कोई बात नहीं जैक, इसमें शर्मिंदा होने की कोई जरूरत नहीं है। अब घर जाओ, तैयार हो जाओ, जश्न में मिलेंगे। स्नो व्हाइट पागल हो चुकी है, मुझे मैरी पसंद है, कुछ भी, ये सारी बकवास बातें हैं। स्नो व्हाइट सचमुच पागल हो गई है। चलो स्नो व्हाइट। चलो बच्चों, तैयार हो सब? एक दो तीन। बहुत शुक्रिया। क्या ये मेरे लिए है? मैं इसका क्या करूँगी? एक दो तीन, शुक्रिया दोनों का। पर शुक्रिया अदा तो मुझे तुम सबका करना चाहिए, क्योंकि यहाँ तुम्हारे साथ बहुत अच्छा वक्त बीता। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। मॉली, मैंने तुम्हारे साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया, क्या तुम मुझे माफ करोगी? और तुम्हारे यहाँ आने का बहुत बहुत शुक्रिया। मिस बावर, मैं बहुत बुरी हूँ। बेन, ऐसा मत कहो। मैरी, तुम वहाँ क्या कर रही हो? हाँ? अब तुम क्या छुपा रही हो? मुझे पता है उसके पास क्या है। उसके पास स्नो व्हाइट के लिए तोहफा है। नहीं है मेरे पास, मैं तो सिर्फ। क्या हुआ मैरी? अगर तुम सबको बुरा ना लगे तो मैरी मुझे अकेले में अपना तोहफा देना चाहती है। क्या? तुम लोग इतने चौंक क्यों रहे हो? पता है ना कि मैरी कितना शर्माती है ना? इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं, और तुम वापस आओ तो हमें दिखा सकती हो। आ? तब तक वो
ठीक हो गई होगी। तुम्हारा मतलब मॉली टीचर तब तक देख पाएंगी? तुम्हें नहीं लगता ये बहुत अच्छी खबर है? बड़ी अजीब बात है, मैं सबसे तेज भागता हूँ, कोई भी मुझे हरा नहीं सकता। मुझे पता है कुछ तो चल रहा है। हाँ, मैरी, जल्दी चलो स्नो व्हाइट, हम लगभग पहुंच गए हैं। पर ऐसा क्या खास है कि जो तुम मुझे यहाँ लेके आई हो? तुम देखकर बहुत खुश हो जाओगी। मैरी कोई साधारण लड़की नहीं है, मुझे यकीन है कि उसने स्नो व्हाइट को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की होगी। वाकई मुझे देना चाहती हो? क्योंकि तुम्हें तो इससे बहुत लगाव है। इसीलिए तो मैं तुम्हें ये देना चाहती हूँ, तुम मेरी बहन जैसी हो ना। ये बहुत सुंदर है। चलो स्नो व्हाइट, अब इस कंघी से बाल बनाओ। ठीक है। स्नो व्हाइट? हाँ, स्नो व्हाइट कहाँ है? स्नो व्हाइट कहाँ है, बताओ मुझे। वो तो मैरी के साथ गई है। क्या, मैरी के साथ? नहीं, स्नो व्हाइट। स्नो व्हाइट, स्नो व्हाइट। शुक्रिया मैरी, अब मैं अपने बाल इसी से बनाया करूंगी। खुशी हुई मुझे, पर क्या तुम ये जानती हो कि मैंने तुम्हें ये क्यों दिया? किसी को ये हक नहीं है कि वो मुझसे ज्यादा सुंदर दिखे। मैरी तुम क्या कह रही हो? क्या हो रहा है? सब घूम रहा है। मैरी, मदद करो। मैंने उस कंघी में जहर मिलाया था स्नो व्हाइट। तुम हो मेरी सौतेली माँ। मुझे कब से इस पल का इंतजार था, आखिरकार मैंने तुम्हें बेवकूफ बना ही दिया। मदद करो। शुक्रिया स्नो व्हाइट, तुमने मेरी बहुत ही ज्यादा मदद की। स्नो व्हाइट, स्नो व्हाइट, ये तुम्हें क्या हो गया? स्नो व्हाइट उठो। स्नो व्हाइट, क्या हो गया? ये क्या हुआ तुम्हें? क्या हुआ है मुझे बताओ, स्नो व्हाइट है कहाँ? ओ नहीं, राजकुमारी स्नो व्हाइट, राजकुमारी जी उठिए। राजकुमारी, मैरी जिसे हम प्यारी छोटी सी लड़की समझ रहे थे, असल में वो दुष्ट रानी थी जिसने राजकुमारी को जहरीली कंघी दी जिससे वो उसे मारना चाहती थी, और ऐसा लगा कि वो अपने काम में कामयाब हुई।